आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, लगातार आप लोगों को स्वागत है। पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं प्रेम वाजपेयी, पत्रकार रेवसा सीतापुर। आज हमारे रेवसा स्थानीय कस्बा में स्वर्गीय पूर्व सैनिक के पुत्र की अचानक मौत से स्थानीय कस्बा में एक शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बताते चलें कि स्थानीय कस्बा रेवसा निवासी रईसुद्दीन उर्फ लगुआ, उम्र करीब लगभग 45 वर्ष, क्योंकि वो इस्लामिया अरबिया मिफ्ताहुल उलूम वाजपेयी नगर स्थित मदरसे में क्लर्क के पद पर तैनात थे, जहाँ पे अचानक रविवार की रात को रईसुद्दीन को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा। परिजनों के द्वारा आनन-फानन में उनको रेवसा सेसी ले जाया गया, जहां पर रेवसा सेसी से उनको रेफ़र कर दिया गया और उनको PGI लखनऊ में भर्ती कराया गया। सोमवार की सुबह करीब 4 बजे उनकी अचानक मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक डॉक्टरों ने बताया कि इनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है, इस वजह से मौत हुई है। आप लोग देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ वीडियोस और फोटो हैं कि एक क्षेत्र में शोक की लहर है, क्योंकि उनके व्यवहार कुशलता से लोग आहत हैं और स्थानीय कस्बा के मदरसा, जितने भी स्थानीय कस्बा के मदरसे थे, उनमें शोक संदेश मना करके उसके बाद बच्चों को छुट्टी दे दी गई। काफ़ी और वो अपने पीछे जो है एक लड़का, एक लड़की और पत्नी समेत 3 लोगों का परिवार पीछे छोड़ गए। उनकी इंसानियत और हर दिल अजीज में जो जहन में बसी हुई थी, उनकी व्यवहार कुशलता हर जुबानी लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज भी लोग आहत हैं। जब वहीं वाजपेयी नगर में स्थित इस्लामिया अरबिया मिफ्ताहुल उलूम के जो मौलाना शगीर अहमद जी हैं, उनको बहुत ही दुख है और वो काफ़ी, हमने उनकी जब उनसे बातचीत की तो उनकी आंखों में आंसू आंध से हो गए और आंसू डबडबा गई आंखें और कहा हमारी दाहिनी बाह टूट गई। क्योंकि हर अच्छे दिल नेक इंसान की जो है आदमी की पहचान अलग अलग होती है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से वास्तव में बहुत अच्छे आदमी थे। क्षेत्र में एक आज मातम सा छाया हुआ है स्थानीय कस्बा रेवसा में। सभी मदरसों ने लगभग जो थे वो अपने मदरसों में शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उसके बाद जो है छुट्टी कर दी। अच्छाइयाँ थी कि कोई बयान ही नहीं की जा सकती। क्या क्या अच्छाइयाँ इनकी थी? ये इन्होंने कभी जो है भेदभाव नहीं किया, सबसे हिंदू मुसलमान चाहे जिस बिरादरी का हो, सबसे इनके ताल्लुकात और जो है सबके यहाँ आना जाना, सबके दुख दर्द में शरीक रहना, और जो है कभी इन्होंने जो है अपने फायदे के लिए कोई काम नहीं किया। जिससे इनके ताल्लुकात होते थे चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उससे जो है ये बहुत ही मोहब्बत और हमदर्दी रखते थे। इनका चाहे जितना नुकसान हो गया, अगर आप इनसे ये कह दें कि फलां काम आपको करना है रईसुद्दीन भाई, तो ये आपके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ती करते। बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत मिलनसार थे। अच्छा, इनका पूरा परिवार यहाँ पहुँच गया था मिट्टी में? इनके और भाई तो आ गए थे लेकिन इटावा वाले नहीं पहुँच पाए थे। अच्छा, वो नहीं पहुँच पाए। मिट्टी में बाल आए। अच्छा, आए देर में? आए देर में। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, अब जैसे अब आप अपने स्कूल में जैसे क्लर्क के पद पर अब क्या करेंगे? किसी को इन्हीं के परिवार से रखेंगे कि मतलब कैसे क्या होगा?
अब रखना तो इन्हीं को करवा से चाहिए, लेकिन अब कमेटी जो करे। अच्छा, इसमें कमेटी का रोल होता है? कमेटी बैठेगी जी, कमेटी शोक सभा करेगी, उसके बाद जो है रिक्त पद पर विचार होगा जिसको रखे। लेकिन फिलहाल जो सामाजिक दृष्टिकोण से जो नज़रिया आता है, हाँ, तो इनके लड़के को रखना चाहिए अगर वो इच्छुक हो। आप अपनी तरफ से कोई पहल कहाँ तक प्रयास करेंगे इनके परिवार का साथ देने के लिए, क्योंकि काफ़ी कंधे से कंधा आप नहीं, तक? हम जितना हो सकेगा, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक इनके जो है घर वालों के साथ, इनके बच्चों के साथ, इनकी बीवी के साथ जो एहसान हो सकेगा वो करेंगे, जब तक हम जीवित रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ इतना एहसान किया है जिसको हम कभी बराबर कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये कमेटी ही जो है बाबू वो करती है? हाँ, मदरसे में जो है कमेटी ही लगती है, कमेटी ही हटाती है जिसको हटाना है। अच्छा 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 हमारे सामने स्थानीय कस्बा रेवसा के इस्लामिया अरबिया मिफ्ताहुल उलूम के प्रबंधक मोहम्मद मौलाना शगीर जी मौजूद हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा है, और आज स्थानीय कस्बे में एक काफ़ी जो है एक पूर्व सैनिक के पुत्र की अचानक हार्ट अटैक से मौत हुई, और वो क्लर्क के पद पर जो है तैनात थे। क्योंकि शोक की लहर दौड़ी हुई है स्थानीय कस्बा क्षेत्र में काफ़ी, और तमाम मदरसों में जो है आज शोक दिवस मना करके काफ़ी बच्चों को छुट्टी भी दे दी गई। लेकिन हम बात करते हैं, हमारे सामने मौलाना शगीर प्रधानाचार्य जो प्रबंधक हैं इस इस्लामिया अरबिया मिफ्ताहुल उलूम के, क्योंकि इनके स्कूल में यहाँ पे वो तैनात थे क्लर्क के पद पे। बात करते हैं कैसे पूरी जानकारी देंगे। मौलाना जी, ये बताइए, ये जो जिनकी आज मौत हुई है जी, इनकी ये आपके विद्यालय में क्या थे, किस पद पर तैनात थे और कैसे मौत हुई है, थोड़ा सा जानकारी आपसे चाहिए। ये 2013 से हमारे मदरसे में क्लर्क के पद पर थे। अच्छा। और रात में कुछ इनकी तबीयत बिगड़ी खाना खाने के बाद। बीती रात कब? यही रात जो रविवार की बीती रात जी, जी। फिर यहाँ सरकारी अस्पताल ले गए घर वाले जी। फिर यहाँ जो है डॉक्टरों ने बताया कि इनको हार्ट अटैक की शिकायत है, तो लखनऊ ले गए। लखनऊ में उपचार के दौरान इनकी मौत हो गई। लखनऊ में कहाँ दिखाया गया? लखनऊ में बलरामपुर हॉस्पिटल में। अच्छा, ये जो सुन में आ रहा है कि ये पूर्व सैनिक के सुपुत्र थे? जी जी, इनके बाप जो है पूर्व सैनिक थे। पिताजी का क्या नाम था इनके? नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद, मोहम्मद नज़ीर अहमद, मोहम्मद नज़ीर। अच्छा, ये सैनिक में किस पद पर, आर्मी में थे क्या? सुनने में आर्मी में थे, रिटायर हो गए थे। हाँ। अच्छा, कितने दिन पहले उनका भी इंतकाल हो गया था, कैसे हुआ था, लगभग कितने दिन पहले हुआ था? उनका तो लगभग 10 साल पहले इंतकाल हुआ है। अच्छा, उनका भी रेवसा में हुआ था। अच्छा, ये पहले के कहीं अन्य जगह के निवासी हैं क्या? इनका असली घर खैराबाद का है। अच्छा। इनके वालिद साहब जो है इटावा में चले गए थे। अच्छा। तो कुछ भाई इनके इटावा में भी रहते हैं। अच्छा अच्छा। और ये चार भाई यहाँ रेवसा में रहते थे। रेवसा में इन जो क्लर्क के पद पे तैनात थे, इनका क्या नाम था? रईसुद्दीन। इनको लौवा लौवा लोग कहते थे? हाँ, प्यार में इनको लौवा कहते थे, वैसे असली नाम रईसुद्दीन था। अच्छा अच्छा। लगभग क्या उम्र होगी इनकी? वही 40 से 45 के बीच। 40-45 वर्ष। अच्छा, यहाँ पे इनका कितना वेतन आपके मदरसे में था? इनको 3200 रुपये मिलता था। अच्छा अच्छा। ये आपके मदरसे की जो है वो किस कक्षा तक है मान्यता? आलिम तक, उच्च आलिया। उच्च आलियन, आलिम तक, इंटरमीडिएट संग। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आप लोग, अच्छा, इनकी जो पत्नी है वो कहाँ पर जो है तैनात है? इनकी पत्नी बमनावा में मदरसा इरशादुल उलूम में आधुनिक अध्यापक है। आधुनिक अध्यापक है। और इनके बच्चे कितने हैं? इनके 2 लड़के हैं, 1 लड़का 1 लड़की। लड़के का नाम दानिश है, लड़की का नाम नेहा है। दानिश की उम्र लगभग क्या होगी? दानिश 18 साल का होगा और नेहा 14-15। अच्छा, जो सुनने में आया है कि काफ़ी इनकी एक लड़की बीमार रहती है काफ़ी जो है। हाँ, वही नेहा जो है वही बीमार रहती है, एक ही लड़की। अच्छा अच्छा। क्या कोई गंभीर बीमारी है? हाँ, बीमारी तो उसका इलाज लगभग PGI से चल रहा है 2 साल से। अच्छा अच्छा। काफ़ी पैसा इन्होंने खर्च किया है, उसी के टेंशन में रहते थे। अच्छा, जब PGI में इनके इलाज के दौरान मौत हुई है, तो डॉक्टरों ने क्या बताया, किस वजह से मौत हुई है? डॉक्टरों ने तो हार्ट अटैक बताया है। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक दर्दनाक और पूरे क्षेत्र में एक शोक की लहर दौड़ी हुई है।
और ये हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो जानकारी दी, ये हमारे स्थानीय कस्बा रेवसा वाजपेयी नगर के जो है स्थित एक इस्लामिया अरबिया मिफ्ताहुल उलूम के प्रबंधक मौलाना मोहम्मद शगीर जी हैं, जिन्होंने पूरी जानकारी दी रईसुद्दीन उर्फ लव्वा के बारे में, क्योंकि इनकी व्यवहार कुशलता एक इतनी अच्छी थी कि हर जुबान पे आज एक ही शब्द आ रहा है कि कितनी क्या होगा उनके परिवार का। अपने पीछे लगभग दो, एक बेटा एक बेटी और पत्नी समेत तीन लोगों का परिवार साथ में छोड़ गए और काफ़ी क्षेत्र में लोग आहत हैं, और इन्होंने आप लोगों से जानकारी दी क्योंकि इन्हीं के विद्यालय में वो क्लर्क के पद पर तैनात थे। इलाज जारी हो गया, इलाज देखो ऑक्सीजन लगा दी मैं, बोतल वोतल सही लगी है, इंजेक्शन वगैरह दिए मैं, काम इलाज तो चालू कर दी। नहीं डॉक्टर यू ना बताएं कि क्या मर्ज मतलब बताइए, ना यू को हाल बताए बताइए। Thank you.